हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस सीरीज की ये पांचवी वीडियो है। अभी तक हमने चार वीडियो हम देख चुके हैं। अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। आज देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए इसकी पहचान पे आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान देखते हैं। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द आते हैं और समय अवश्य दिया रहता है। देखिए जो रहा है, रही है, रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी पहचान था। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो मेन पहचान है वो समय, इसमें समय दिया रहता है। जैसे कि रहा है, रही है, रहे हो, ये तो रहेगा ही, लेकिन इसमें समय भी दिया रहता है। से एग्जांपल देखते हैं कि राम सुबह से सो रहा है। देखिए अगर राम सो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन राम सुबह से सो रहा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसका रूल देखते हैं। रूल नंबर वन अफर्मेटिव सेंटेंस का, सबसे पहले बनाएंगे कर्ता, सब्जेक्ट की स्पेल, सब्जेक्ट की इंग्लिश, सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम, राम जो है सब्जेक्ट है। फिर हैज या हैव लगाएंगे। फिर इसके बाद बीन, बीन जो है वो समय, उस समय को दर्शाता है बीन। फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। फिर उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं जहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं आदि आता है। फिर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। फिर सिंस या फोर लगाएंगे, सिंस या फोर के बाद अदर। अब हम देख लेते हैं कहाँ पर हैज आता है और कहाँ पर हैव आता है। देखिए अगर ही है, सी है, इट है, नेम है या एक वचन है, एक वचन के साथ हैज लगाते हैं। और आई है, वी है, यू है, दे है या बहुवचन है तो उसके साथ हम हैव लगाते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है वो है सिंस और फोर, कि कहाँ पर सिंस आएगा और कहाँ पर फोर आएगा। अब देखते हैं सिंस कहाँ पर सिंस आता है। देखिए निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाते हैं। निश्चित समय देख लीजिए, जैसे कि सिंस ट्यूजडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस 1999, सिंस 5 o'clock, यानी कि निश्चित समय है। निश्चित समय के लिए हम लगाते हैं सिंस। और फोर लगाते हैं हम, फोर समय की अवधि दिखाने के लिए, समय की अवधि यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर लगाते हैं। यानी कि एक ये भी हम समझ सकते हैं अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय के लिए हम फोर लगाते हैं, जैसे कि फोर टू डेज। यहाँ पर फोर टू डेज का मतलब ये नहीं है कि कौन से 2 दिन, या फिर फोर थ्री मंथ में ये नहीं है कि कौन से 3 मंथ्स है। अगर ये दिया होता कि फ्रॉम जुलाई, तो ये जुलाई है वो निश्चित है, तो फ्रॉम जुलाई में हम सिंस लगाते हैं। फ्रॉम जुलाई में हम सिंस लगाते हैं क्योंकि सिंस निश्चित है। जैसे यहाँ है फॉर 3 मंथ, तो 3 मंथ जो है वो ये निश्चित नहीं है कि 3 कौन से महीने, अगर 3 मंथ का नाम है तो 4 आएगा, या फिर 4 5 आवर्स, 5 घंटे, ये पता नहीं है कि कौन से घंटे से, ये अनिश्चित है। देखिए निश्चित के लिए लगाएंगे सिंस, जैसे सिंस ट्यूजडे, इसमें ट्यूजडे यानी कि ट्यूजडे से काम कर रहा है तो ये निश्चित है। और सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से काम कर रहा है तो निश्चित है। सिंस 1999 यानी कि 1999 से काम कर रहा है तो निश्चित है। सिंस 5 o'clock, 5 बजे सुबह से कार्य कर रहा है तो ये निश्चित है। और ये जो 4 है वो अनिश्चित समय के लिए लगाते हैं, जैसे 4 2 days, ये पता नहीं है कि कौन से 2 दिन से कार्य कर रहा है। 4 5 hours, ये पता नहीं है कि कितने बजे से वो काम कर रहा है, बस ये पता है कि 5 घंटे से कर रहा है। 4 3 months, 4 3 months भी ये अनिश्चित है। तो सिंस और 4 देख लिए। अब सेंटेंस देखते हैं। तुम 2 घंटे से खा रहे हो,
तुम 2 घंटे से खा रहे हो, तो तुम क्या बनाएंगे? यू, यू के साथ लेगा हैव। अब देखिए जो समय है, समय को डिनोट करने के लिए बिन लगाते हैं। यू हैव बिन खाना का ईटिंग। देखिए 2 घंटे, ये 2 घंटे के लिए है तो 4 लगाएंगे, 4 2 आवर्स। और 2 घंटे से खा रहा है तो हम 4 लगाएंगे। अगला है राम सुबह से सो रहा है। देखिए राम, इसमें राम क्या है? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इंग्लिश पहले बनाते हैं। राम सब्जेक्ट है तो, अरे राम नाम है तो नाम के साथ हैज लगाएंगे। राम हैज, फिर बीन, बीन समय को दर्शाते हैं, फिर वर्ब की पहली फॉर्म सोना, सोना का स्लीप, आई एन जी लगा देंगे। देखिए आई एन जी। फिर सुबह से है तो सुबह से तो निश्चित टाइम है, सिंस सुबह का होता मॉर्निंग। राम सुबह से सो रहा है तो राम हैज बिन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। पहले कर्ता की अंग्रेजी, फिर हैज या हैव, फिर बिन, फिर वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर अदर। तो इसके बाद देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। देखिए नेगेटिव सेंटेंस की ये पहचान वही रहेगी, बस बीच में नहीं आ जाते, नहीं आ जाता है, बीच में नहीं आ जाता है। जैसे कि राम सुबह से नहीं सो रहा है, तो इस राम सुबह से नहीं सो रहा है नेगेटिव सेंटेंस है, पहचान वही सेम रहेगी, रहा है, रही है, समय आता है। तो इसका देखिए कर्ता की अंग्रेजी बनाएंगे राम, राम सब्जेक्ट अंग्रेजी बनाइए राम, फिर राम नाम है तो नाम के साथ हैज आता हैज, फिर नहीं हैज के बाद नहीं का अंग्रेजी बनाएंगे, नहीं का नोट। फिर देखिए बिन, बिन लगा देंगे, बिन, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब क्या है? क्रिया सोना है, तो वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर इसके बाद सिंस या फॉर। सुबह देखिए निश्चित टाइम, इसलिए सिंस आएगा, सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस देखते हैं कि लड़के 4 घंटे से नहीं सो रहे हैं। देखिए लड़के करता है तो करता की द बॉयज, बहुवचन है द बॉयज, तो हैव लगाएंगे, हैव, फिर नोट लगाएंगे, नहीं है तो नोट, फिर बिन, बिन लगाएंगे समय को दिखाने के लिए, वर्ब की पहली फॉर्म सोना, तो पहली फॉर्म में एनजी लग जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो द बॉयज हैव नॉट बिन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स। देखिए 4 घंटे अनिश्चित टाइम है, इसलिए हम 4 लगाएंगे। अगला इंट्रोगेटिव में भी पहचान बिल्कुल सेम रहेगी, पहचान वही रहेगी, रहा है, रही है, रहे हैं, और समय दिया रहेगा, और लेकिन शुरुआत में क्या शब्द पहले दिया रहता है तो वो इंट्रोगेटिव होता है। इसका रूल देख लीजिए, इंट्रोगेटिव में हैज और हैव पहले ही लगा देते हैं, तो ये जो हैज और हैव है तो क्या का भी काम कर जाता है और रहा है का भी काम कर जाता है। हैज हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट यानी करता है, राम के रही बनाएंगे, बीन, बीन लगाएंगे, बीन समय को डिनोट करता है, फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे, फिर आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर अदर। तो चलिए बनाते हैं, क्या राम सुबह से सो रहा है? तो क्या राम है, तो राम नाम है, नेम के साथ हैज लगाते हैं, हैज लगाइए, हैज, फिर करता राम, फिर बिन लगाइए, बिन, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है? वर्ब इसमें है सोना, आईएनजी लगा दीजिए, स्लीपिंग, फिर क्या सुबह से, तो सुबह से निश्चित है तो
सेंस क्या राम सुबह से सो रहा हैज राम बिन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। हो गया। अगला सेंटेंस बनाते हैं, क्या हम 4 घंटे से सो रहे हैं। तो देखिए हम के साथ हैव लगाते हैं, हैव आएगा शुरू में, फिर सब्जेक्ट हम के अंग्रेजी भी, फिर बिन बिन लिख दीजिए, फिर वर्ब की पहली फॉर्म सोना है तो स्लीपिंग, आईएनजी लगा दीजिए स्लीपिंग, फिर ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, सिंस या फोर, 4 घंटे हैं तो ये अनिश्चित टाइम है, फोर आएगा, फोर फोर आवर्स। क्या हम 4 घंटे से सो रहे हैं, हैज वी बीन स्लीपिंग फोर फोर आवर्स। अब अगला रूल 5 देख देखते हैं, रूल 4 देखते हैं। रूल 4 में हैज और है पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे कर्ता की, फिर नोट लगाएंगे, फिर बीन, फिर वर्ब की वेरी फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर, फिर अदर। जैसे क्या राम सुबह से नहीं सो रहा है, तो राम नाम है तो नाम के साथ हैज लगाएंगे, देखिए हैज, फिर कर्ता राम की अंग्रेजी बनाइए, नहीं है तो कर्ता के बाद जस्ट नोट आएगा, फिर बिन बिन लगाएंगे समय को दिखाने के लिए, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म स्लीपिंग, पहली फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर सिंस या फोर, सुबह है निश्चित टाइम है सिंस लगाइए, सुबह का मॉर्निंग, ठीक है। क्या राम सुबह से नहीं सो रहा है, हैज राम नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अगला देखते हैं, क्या वह अपना काम 3 घंटे से नहीं कर रहा है, क्या वह अपना काम 3 घंटे से नहीं कर रहा है। तो देखिए इसमें वह के साथ हैज आएगा, हैज, फिर करता ही, फिर नोट नोट, फिर बीन, फिर बीन, फिर करना करना का डू होता है, डू में आई एन जी लग जाएगा, वर्ब में आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है अपना काम, हिज वर्क, हिज वर्क फॉर फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे अनिश्चित टाइम है इसलिए हम 4 लगाएंगे। तो दोबारा देखते हैं, क्या वह अपना काम 3 घंटे से नहीं कर रहा है, हैज ही नोट बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स, हैज और है पहले आता है, फिर करता, फिर देखिए नोट, करता के बाद नोट आता है, फिर नोट के बाद बीन आएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म में आई एन जी, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये हिज वर्क ऑब्जेक्ट है, फिर यहाँ पे टाइम जो अनिश्चित, 3 घंटे अनिश्चित है तो 4 आ गया, फिर 3 आवर्स। देखिए बहुत ही ईजी है। अगर आगे देखते हैं डब्ल्यू एच फैमिली, फिर डब्ल्यू एच फैमिली के बाद ख़त्म हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए आगे है डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच फैमिली पहचान देख लेते हैं हम, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो के साथ वाक्य के बीच में डब्ल्यू एच, जैसे कि क्या, क्यों, कैसे आदि शब्द आते हैं, ठीक है। वाक्य अंत में तो रहा, रही, रहे सेम रहेगा, इसमें डब्ल्यू एच जो फैमिली है वो वाक्य के बीच में आती है, तो इसकी अंग्रेजी यानी कि डब्ल्यू एच की अंग्रेजी हम सबसे पहले बनाते हैं। रूल देखते हैं फटाफट, फिर एक एग्जांपल करके आगे बढ़ेंगे जल्दी से, समय ज़्यादा नहीं है। देखिए रूल क्या है, पहले डब्ल्यू एच फैमिली की अंग्रेजी बनाएंगे, यानी कि क्या, क्यों, कैसे। डब्ल्यू एच फैमिली बहुत सारी होती है लेकिन मेन रूप से जान लीजिए क्या, क्यों, कैसे, कब, किसको, ये डब्ल्यू एच फैमिली है। डब्ल्यू एच फैमिली की अंग्रेजी बनाइए, फिर हैज और हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे, फिर बीन, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर, फिर अदर्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो। तो देखिए जो क्या है बीच में आया है,
टू, ये है डब्ल्यू एच। तो इस क्या की अंग्रेजी सबसे पहले लिखे हैं, देखिए डब्ल्यू एच भी हम लिखे हैं अंग्रेजी। फिर हैज या हैव, यू यू के साथ हैव आता है, देखिए हैव हो गया। फिर सब्जेक्ट करता तुम है, तो यू का अंग्रेजी। फिर बीन, बीन समय दिखाने के लिए यूज होता है, बीन हो गया। फिर वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे, करना, करना का होता है डू, तो डू में आई एन जी लग गया, डूइंग। फिर हियर, हियर यानी यहाँ, यहाँ जो है वो कर्म है, कर्म यानी को ऑब्जेक्ट। देखिए वर्ब की पहले फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बन गई। फिर जो दो दिन है वो अनिश्चित टाइम है, तो फोर आएगा, फोर टू डेज। देखिए अगर दिया होता कि वह सोमवार से, तुम सोमवार से यहाँ क्या कर रहे हो, तो सोमवार या मंगलवार या निश्चित दिन दिया होता तो हम सिंस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर दो दिन है तो पता नहीं लग रहा कौन से दो दिन से, तो यहाँ पर हम फोर लगाएंगे। लिखा नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, इसका भी पहचान सेम रहेगी पॉजिटिव वाले जैसे ही, बस रूल में थोड़ा सा चेंजिंग है। पहले डब्ल्यू एच फैमिली की अंग्रेजी बनाते हैं, फिर हैज और हैव आता है, फिर सब्जेक्ट करता, फिर करता के बाद देखिए नोट आता है, यही इम्पोर्टेंट है, करता के बाद नोट आएगा, फिर इसके बाद बीन आएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर अदर। एग्जाम्पल देखते हैं, तुम दो दिन से यहाँ क्यों नहीं सो रहे हो, तुम दो दिन से यहाँ क्यों नहीं सो रहे हो। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली की अंग्रेजी बनाते हैं, इसमें खोजिए डब्ल्यू एच फैमिली कहाँ है, देखिए क्यों, क्यों मिली है डब्ल्यू एच फैमिली, तो क्यों की अंग्रेजी हमने सबसे पहले बनाया है वाई। फिर हैज या हैव, तुम है तो तुम के साथ हैव आएगा, यू हैव। फिर करता खोजिए, करता तुम है, करता की अंग्रेजी बनाएंगे यू का तुम। फिर तुम के बाद जस्ट नोट आएगा, देखिए नोट नोट। फिर उसके बाद बिन लगाएंगे, बिन जो समय के लिए दिखाते हैं, जैसे दो दिन हो गया, तो करता नोट के बाद बिन। फिर वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब इसमें क्या है, सोना, सोना वर्ब है, सोना का स्लीप, स्लीप में आई एन जी जोड़ देंगे, देखिए वर्ब में आई एन जी स्लीपिंग। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट खोजते हैं, ऑब्जेक्ट है यहाँ, यहाँ जो है ऑब्जेक्ट है हियर। दो दिन निश्चित नहीं है तो फोर आएगा, एसियंस या फोर, फोर आ गया। फिर अदर, अदर क्या है, दो दिन, टू डेज। तुम दो दिन से यहाँ क्यों नहीं सो रहे हो, वाई हैव यू नोट बीन स्लीपिंग हियर फॉर टू डेज। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमने छह रूल देख लिए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया सब्सक्राइब कर दे चैनल को। सब्सक्राइब करने से क्या है कि आगे भी हम इंग्लिश की इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश ग्रामर में अगली अच्छी अच्छी वीडियो हम लाते रहेंगे, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचती रहेगी। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।